बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जिले को लेकर काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं और आला अधिकारियों को जिले की स्थिति सुधारने को लेकर कवायद में भी जुटे हैं। इसी कड़ी में शासन के निर्देश पर शनिवार को कानपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण और बढ़ते मृत्यु दर की समीक्षा करने के लिए अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर रजनीश दुबे कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ कोविड 19 संक्रमण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक करते हुए समीक्षा की और उन्हें उचित दिशा निर्देश भी दिए। समीक्षा बैठक के दौरान डॉक्टर रजनीश दुबे ने जिलाधिकारी आलोक कुमार तिवारी से वर्तमान स्थिति की जानकारी जुटाई और उन्होंने कहा कि हर कीमत पर मृत्यु दर पर कमी लाई जाए, जो भी संसाधन है वो उन्हें बढ़ाया जाए। वहीं उन्होंने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो भी पेशेंट होम आइसोलेट हैं वो अपना SpO2 पल्स ऑक्सीमीटर दिन भर जरूर चेक करते रहें और किसी भी तरीके की परेशानी सांस से संबंधित हो तो तत्काल फैसिलिटी को अपनाएं, किसी भी सूरत में देरी ना करें, अपने मर्ज को बढ़ने ना दें जिससे सही समय पर इलाज करते हुए उन्हें ठीक किया जा सके। वहीं मीडिया के सवाल पर कि पल्स ऑक्सीमीटर PPE किट सैनिटाइजर में बहुत ही धांधली है इसकी शिकायत ग्राहक कर रहे हैं। इस मामले में सचिव ने जिलाधिकारी को जाँच के निर्देश भी दिए। इन मरीजों को जल्दी पकड़ना ज़रूरी है और मैं ये भी अपील करूंगा जो लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं कि वो एक ब्रेथलेसनेस का सांस फूलने की प्रतीक्षा ना करें और अगर कोई कोमॉर्बिड है, किसी की उम्र ज़्यादा है तो आप किसी फैसिलिटी में भर्ती हो जाएं, नहीं तो इसमें एक रिस्क हो जाता है। 24 घंटे के अंदर भी ऑक्सीजन गिर जाती है और पल्स ऑक्सीमीटर से सुबह शाम अपना SpO2 हर व्यक्ति लेता रहे जो भी होम आइसोलेशन में। सर, जो मेडिकल ये कर देने से जो आपका एक ओवरऑल इस उसमें ना रहें कि हमें तभी जाना है जब हमारी सिम्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, क्योंकि एक बार लंग इन्वॉल्व हो जाता है उसके बाद फिर उसे रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। जल्दी हमको हॉस्पिटल में जाना है अगर हमारा SpO2 डाउन होता है या हमें किसी तरीके की।